नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मोदी जी ईमानदार है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए आपको समझाते हैं। राफेल विमान डील के बारे में तो आपने सुना होगा, दरअसल ये एक बड़ा घोटाला है और इसके सीधे आरोप मोदी सरकार पर लग रहे हैं। दरअसल राफेल एक लड़ाकू विमान है और भारत इस विमान को फ्रांस से खरीद रहा है। मोदी सरकार ने इस विमान को महंगी कीमत पर खरीदकर एक बड़ा घोटाला किया है। इसको ध्यान से समझिएगा। साल 2012 में उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार ने 126 राफेल विमान की डील फ्रांस के साथ की थी। यह डील 54,000 करोड़ रुपए की थी और एक राफेल विमान की कीमत 540 करोड़ रुपए थी। इस डील में 18 विमान भारत को तैयार स्थिति में मिलते और बाकी के बचे 108 विमान भारत की एक सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फ्रांस के साथ मिलकर बनाती। साल 2012 की उस डील को मोदी जी ने साल 2015 में रद्द कर दिया और उसके बाद फ्रांस के साथ मोदी जी ने एक नई डील की। ऐसा मोदी जी ने क्यों किया, उसे समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस बार मोदी जी ने फ्रांस के साथ मिलकर इस विमान को बनाने का ठेका सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ना देकर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को दे दिया। आखिर मोदी जी ने सिर्फ 2 हफ्ते पहले बनी एक प्राइवेट कंपनी यानी अनिल अंबानी की कंपनी को इतना बड़ा ठेका क्यों दिया, जबकि अनिल अंबानी को इस तरह का काम करने का इससे पहले कोई अनुभव ही नहीं था। दरअसल एक बड़ा घोटाला करने के लिए मोदी जी ने ऐसा ठेका अनिल अंबानी को दिया। कैसे, वो आपको समझाते हैं। नई डील के तहत मोदी जी ने विमानों की संख्या 126 से घटाकर सिर्फ 36 कर दी और एक विमान की कीमत 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1640 करोड़ रुपए कर दी। आखिर 1100 करोड़ रुपए महंगा एक विमान क्यों खरीदा गया? अब ये 1100 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में गए, अमित शाह की जेब में गए या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की जेब में गए? अनिल अंबानी की कंपनी 28 मार्च 2015 को बनी थी, यानी नई डील के होने से महज 2 हफ्ते पहले। ऐसी नई कंपनी को मोदी जी ने भारत की जनता का सारा पैसा ऐसे ही बांट दिया। और ऐसा हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, चाहे तो आप आरटीआई लगाकर इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी किसी आरटीआई का जवाब कहां देते हैं? वो गुजरात में भी ऐसा ही करते थे और अब केंद्र सरकार में बैठकर भी ऐसा ही कर रहे हैं। मोदी जी जनता के पैसे को बड़े बड़े उद्योगपतियों में बांट रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति उसके बाद हो सकता है कि गायब हो जाए। नीरव मोदी ऐसा कर चुके हैं, विजय माल्या ऐसा कर चुके हैं, मेहुल चौकसी भी ये कर चुके हैं और हो सकता है कि अब अनिल अंबानी भी कर दें। अब आप तय कीजिए आपको क्या करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।